अभी अभी अंजू का पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ दिख रहा है कि अंजू नसरुल्ला यानी कि जो अब उसका पति बन चुका है, उसने दूसरी शादी करी है पाकिस्तान जा करके, उसके साथ बैठ के डिनर कर रही है। तो वो यानी वीडियो रात का है भाई, अब रिकॉर्ड होके अब वायरल हुआ है, जिसमें साफ दिख रहा है कि 8 जने बैठे हुए हैं, 8 आदमी बैठे हुए हैं और वो अकेले बुरखा पहने हुए उनके साथ डिनर कर रही है। हालांकि अब उसका नाम अंजू नहीं है, अब उसका नाम फातिमा हो चुका है, क्योंकि उसने भाई धर्म परिवर्तन किया है और धर्म परिवर्तन करके उसने मुस्लिम अपनाया है, एंड तो उसका नाम भी चेंज हुआ है अब। और पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि हमने उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया कुछ करने के लिए, शादी भी उसने अपनी मर्जी से करी है, नसरुल्ला ने उसे कुछ भी तरह का फोर्स नहीं किया है, उसे भारत में अपने पति के साथ नहीं रहना था, इस कारण वो पाकिस्तान आई है। और अब भाई एक और बड़ा खुलासा हुआ है, तो अंजू की शादी अब 90 दिन बाद एक्सेप्ट होगी भाई पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि भाई दोस्तों उसने अपने पति से तलाक नहीं लिया, जो कि इंडिया में उसका पति है उसने उससे तलाक नहीं लिया है, उसने सीधा उससे शादी करी है नसरुल्ला से। सो उनके इस्लाम धर्म में वहाँ पर पाकिस्तान में इस तरीके से अगर शादी करता है तो 90 दिन बाद पूरी तरीके से वैलिड होती है, यानी कि भाई शादी तो एक्सेप्ट हो चुकी है, शादी हो चुकी है भाई, गवर्नमेंट भी वहाँ पर थी, पुलिस थी, बड़े बड़े नेता वगैरह थे पाकिस्तान के उसके साथ में जब शादी हुई, पर जो शादी है वो पूरी तरीके से अभी एक्सेप्ट नहीं होगी। और दूसरी तरफ अंजू के बच्चों का भी अभी रो रो के बुरा हाल है, पति भी रो रहा है भाई, उदास है पूरी फैमिली, 2 बच्चे हैं उसकी, दोनों लड़कियां हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं भाई, इस तरीके से ने करा भी बहुत गलत काम है। हालांकि अब देखते हैं अब आगे वो क्या फैसला लेती है, भारत आएगी या फिर उसके साथ में पाकिस्तान ही रहेगी, उसे पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाएगी क्या, अभी ये सब चीज़ का खुलासा होना बाकी है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और क्या अंजू डिसीजन लेती है कि भारत आना है या पाकिस्तान रहना है। आप लोग एक काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भाई।